11th क्लास की एक्सरसाइज 2.3। इसमें एक्सरसाइज 2.3 में मैंने फंक्शन के बारे में आपको बताया था। पहली एक्सरसाइज में रिलेशन था, कार्टेशियन प्रोडक्ट थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट था उसका रिलेशन था, उसका फंक्शन है। अब फंक्शन में मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखना, मैंने आपको इसको फंक्शन में बताया था। अब थर्ड क्वेश्चन देखना है। अब फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x-5। हमें फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, 2x-5। अब राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ एफ जीरो। सबसे पहले हमें एफ जीरो वैल्यू फाइंड करनी है, एफ सेवन की वैल्यू फाइंड करनी है, एफ माइनस थ्री की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ईजी है। सबसे पहले हम एफ जीरो वैल्यू फाइंड करेंगे। एफ जीरो मतलब जहां आपका एक्स है वहां पर जीरो पुट करना है सिर्फ। तो 2 × 0 - 5। 2 × 0 कितना हुआ, 0। 0 - 5 कितना, अच्छा 0 - 5 कितना हो गया, -5। एफ जीरो हो गया। अब सेकंड पार्ट में हम लोग एफ सेवन फाइंड करना है। एफ सेवन अब यहाँ पर जहाँ पर भी एक्स होगा वहाँ 7 लिखेंगे। तो 2 × 7 - 5 2 × 7 = 40 - 5 = 9। ये एफ सेवन आ गया 9। अब हम लोगों ने अगर थर्ड पार्ट निकाला, थर्ड पार्ट क्या है हमारा, एफ माइनस थ्री। जहाँ पर एक्स होगा वहाँ एक्स की वैल्यू -3 पुट करेंगे। तो -3 पुट करेंगे 2 × -3 2 × -3 - 5। अब 2 + 3 कितना होता है, 6। लेकिन साइन किसका, माइनस का। तो -6 हो गए और -5 -6 - 5 कितना, -11। तो 2 + 6 - 6 - 5 = -11। हमें फंक्शन दे रखा था और फंक्शन के बाद हमें सबकी वैल्यूज फाइंड करनी थी, एफ जीरो की, एफ सेवन की और एफ -3 की। ये इसकी वैल्यू क्लियर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4th। द फंक्शन टी, कोई फंक्शन टी है जिसमें आपको डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट में एक रिलेशंस दे रखा है। टी सी, सी क्या है सेल्सियस, और 9/5c + 32 और एक रिलेशन दे रखा है टी सी इक्वल टू 9/5c + 32। क्या रिलेशन दे रखा है, टी सी इक्वल टू 9/5c + 32। ये रिलेशन दे रखा है। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले टी जीरो फाइंड करना है, टी 28 फाइंड करना है, टी -10 फाइंड करना है। पहले तो ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे पहले कराया था, अभी उसके पहले देखिए टी जीरो, टी जीरो यानी मीन्स जहाँ आपका वैल्यू जहाँ सी है वहाँ पर आपको जीरो रखनी है। तो 9/5 0 × 0 + 32 ये जीरो हो गया पूरा। तो 0 + 32 आंसर कितना हो गया आपका, 32। क्लियर। सेकंड पार्ट देखेंगे अगर हम स्टार्ट का सेम, टी ट्वेंटी एट। अब हम टी की सी की लगाए 28, तो 9/5 × 28 + 32। अब 9 का 28 मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 8 = 72 कैरी 7, 9 × 18 = 7 = 25 / 5 + 32। अब डिवाइड करेंगे इसमें 5 × 5 = 25 कितना बचा, 2 बचा, जागा नहीं तो जीरो लगा देंगे 2.5 50.4 + 32 प्लस का। अब क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 32 और 50 कितना हुआ, 2 और 5 = 82.4 अब चाहें तो इसको पॉइंट ले लिया, अदरवाइज चाहते तो आप इसको एलसीएम भी ले सकते थे, यहाँ पर एलसीएम लेके भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या है, t - 10 अब जहाँ पर आपका c है वहाँ -10 लाएंगे, t - 10 तो 9/5 c के लाएंगे -10 + 32
फाइव से टेन के सिलेक्ट कर दिया टू ओवर टू आर। अब नाइन का टू में मल्टीप्लाई, नाइन टू जा एट्टीन प्लस थर्टी टू। अब थर्टी टू माइन प्लस के है और माइनस के एट्टीन है तो कितना चाहिए बच्चों, प्लस के फोर्टीन। क्लियर, एट्टी माइनस टेन आ गया। ये हम लोगों ने वैल्यू पुट करी थी, इसके बाद ये क्वेश्चन आ गया। अब फोर्थ पार्ट जो बोल रहा है, फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि अगर जैसा आपका रिलेशन है टी सी इजकल टू नाइन अपॉन फाइव सी प्लस थर्टी, तो ये आपका रिलेशन है। अब हमें ये वैल्यू दे रखी है किसकी, टी सी की 212 इजकल टू, हमें फाइंड क्या करना, वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो नाइन अपॉन फाइव सी एज इट इज प्लस थर्टी टू। क्लियर, अब थर्टी टू को इधर भेजेंगे तो 212 माइनस के 32 इस कल टू क्या बचा, नाइन अपॉन फाइव सी कितना बचा, टू में से टू माइनस करो जीरो और 21 और सी एट्टी 180 इस कल टू नाइन अपॉन फाइव सी। अब देखिए हमें सी फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना सी, तो सी इस कल टू देखिए ये जो डिवाइड में है उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 180 इंटू सी। क्लियर, सॉरी 180 इंटू फाइव सी तो फाइंड करना, 18 जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई बन जाएगा 180 इंटू फाइव अपॉन जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा 9। तो जो 9 अपॉन 5 था वो जाएगा 5 अपॉन 9। क्लियर, 9 से कैंसिल हो गया, 9 टू 8 20 टाइम्स 25 जा 100। तो सी की वैल्यू आपकी आ कितनी 100। ये फंक्शन जिसमें हमें एक दे रखा था डिग्री सी और डिग्री फाइन आर्ट में आपका रिलेशन, इसमें हमको टी जीरो टी ट्वेंटी एट टी माइनस टेन फाइंड करना था, उसके बाद हमें टी सी दे रखा था तो हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्लियर।